हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांड नोट मोबाइल। ये देखिए प्लेजर प्लस, ये देखिए पूरा इंजन कैसा हो गया है। ये देखिए इसके लिए स्पेशल एक फॉर्मूला आया है। ये देखिए इंजन ड्रेसर, डिग्रीसर, इंजन क्लीनर। ये देखिए इसको ये यूज़ करेंगे। आपको इसमें विडोल का आएगा, ये आपको मैनेजर सर आपको बताएंगे कैसे क्या है। ये देखिए मैनेजर हमारा, नमस्ते। एक दम करके एक प्रोडक्ट्स है, टाइड वाटर वॉश कंपनी जो विडोल कंपनी है, एकदम अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। ये विडोल कंपनी इंडिया में इंपोर्ट करके मार्केटिंग करता है इसका। ये प्रोडक्ट किस लिए है कि ये डिग्रीसिंग और क्लीनिंग के लिए है। जो भी हमारा मेटल का या फाइबर का जो भी मटेरियल रहता है उसके ऊपर मिट्टी चिपक जाती है, ऑयल लगता है, ग्रीस लगता है, अलग अलग तरीके से उसमें मटेरियल चिपक जाता है। तो क्या होता है कि नॉर्मल वॉश करने के बाद या शैम्पू यूज़ करने के बाद भी वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि वॉश करने के बाद भी मिट्टी चिपक जाती है, मिट्टी प्रॉपर निकलती नहीं है। और जब हम शैम्पू से वॉश करने जाते हैं और कोई कॉटन का कपड़ा हम उसके ऊपर सरफेस से क्लीन करने के लिए लगा जाते हैं या अगर उसमें ट्राई करते हैं तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी जो रहती है तो उसकी वजह से वो स्क्रेचेस आते हैं मेटल के पार्ट पर। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्लीनिंग सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं उससे जो सरफेस जो है, जो सरफेस का कोटिंग रहता है वो डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो ये पूरा गवर्नमेंट का अप्रूव लेके ही बना है। तो इससे अब आप ये डेमो देखेंगे जिसमें आपको देख पाएंगे आप इसमें यूज़ करने के बाद जो डस्ट है या ऑयल है, ग्रीस है, एक ऐसे डिग्रीसिंग होता है और पार्ट को क्लीन करता है। उसके बाद हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो हम गाड़ी वॉश करने के बाद फिर जब ड्राई होगा उसके बाद फिर यूज़ करेंगे, तो वो है हमारा गंक शाइन प्रोटेक्टर करके। ये धोने से पहले लगाने का गंक इसको? हाँ नहीं, ये हम वॉशिंग के पहले यूज करेंगे। हाँ, फिर वॉश होने के बाद जब ड्राई होगा तब ये यूज करेंगे। इंजन प्रोटेक्टर शाइन करके है, ये बाद में यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि गाड़ी शाइन करेगी, मतलब जैसे हम पॉलिश जैसे यूज करते हैं उसी टाइप का है। ये स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद फिर इसको नॉर्मल जो कॉटन का कपड़ा रहेगा हमारा उसे हम फिर उसके ऊपर से हम घुमा लेंगे। इसके लिए कलर का वगैरह फेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं इफेक्ट आएगा, जैसा हमारा ओरिजिनल कलर रहेगा गाड़ी का वही कलर रहेगा। खाली ये पूरा क्लीनिंग का काम करेगा, डीग्रीसिंग और क्लीनिंग का करेगा। और पार्ट के ऊपर जो शाइन रहता है जैसे पहले जैसे था तो वैसे शाइन आएगी। हम इसका डेमो अभी लाइव डेमो देखेंगे। जैसे कि अभी ये देखिए ऑयल वगैरह कैसा गिर के कैसा हो गया है। ये देखिए इसको अगर ये क्लीन हो जाएगा ना ये पूरा, ये देखिए कैसा हो गया है, इसके वजह से पूरा डस्ट होता है। चलिए दोस्तों अभी इसको ये करके लेंगे कैसे क्या है, मैनेजर सर हमको बताएंगे कैसे सब कैसे क्या करने का है। वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो प्लेजर गाड़ी है प्लेजर गाड़ी का आधा भाग पे हम यूज करेंगे और आधा भाग वैसे ही रखेंगे। हाँ ओके। उसके बाद हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमें इफेक्ट दिखेगा कि जहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट यूज किया है वहाँ पे कैसे इफेक्ट आ रहा है और जहाँ पे यूज नहीं किया वहाँ पे इफेक्ट कैसा आ रहा है। ओके दोस्तों, पहले टायर का लिक्विड लगा के लेंगे। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, 1 लीटर में वगैरह अवेलेबल हो जाता है। ये देखिए मिल सकता है आपको। इसको लगाने से ब्रश मारने का जरूरत नहीं, एकदम टायर काला होता है। ये देखिए ऐसा। चलिए दोस्तों फटाफट लगा के लेंगे इसको सब। ये देखिए दोस्तों टायर को वगैरह लिक्विड लगा के रखा है। ये देखिए आगे पीछे दोनों को लगाया, रबर आइटम को ही लगाने का हो। ये देखिए टायर लिक्विड, देखिए सूखने के बाद एकदम काला होता है, बाद में ब्रश मारने का जरूरत नहीं, एकदम क्लीन होता है। चलिए दोस्तों अभी इसको स्प्रे मार के लेंगे, पूरा आधा मारेंगे। अब गाड़ी का पूरा आधा भाग हम स्प्रे करेंगे और आधा भाग वैसे ही रखेंगे। तो आप वॉशिंग करने के बाद इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मारें। देखिए इस तरफ का ही आधा ही मार रहे हैं। देखिए Thank you.
इंजन को। इसको ये मारने के बाद कितना मिनट छोड़ना पड़ेगा? 10 मिनट रुकना पड़ेगा। एक 10 मिनट रुकने के बाद वॉश करके लेने का। यस यस। अब आधा पार्ट आप दिखा दीजिए उनको कि जैसे पहले कैसे था उधर का, उस साइड भी आप उनको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी आधा पार्ट मारा है इसमें, अभी ये देखिए इस तरफ का नहीं मारा है। ये देखिए एक 10 मिनट रख के बाद में इसको वॉश करेंगे। चलिए दोस्तों, एक 10 मिनट रखेंगे अभी इसको। ये देखिए दोस्तों, टायर कैसा काला हुआ है, अभी इसको धो के लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया। ये देखिए अभी इसको फुल मार रहे हैं। ये देखिए इसको फुल मार के लेंगे, इसका भी डेमो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ओल्ड गाड़ी है, एकदम रस्ट होकर पकड़ा है। ये देखिए सबको मार के लेंगे। ये देखिए इंजन कैसा हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी इसको धो के लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी सिर्फ प्रेशर मार के लिया है। अभी ये देखिए, ये देखिए डस्ट कैसा दिख रहा है इधर, जहाँ पे हमने स्प्रे यूज़ नहीं किया था वहाँ पे ऐसा इफेक्ट है, और जहाँ पे यूज़ किया था वहाँ पे। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है, सिर्फ प्रेशर मारा है, धोया नहीं गाड़ी। प्री इफेक्ट है और ये पोस्ट इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो डस्ट है ये वैसे ही दिख रहा है, मतलब वॉश होने के बाद, मतलब खाली स्प्रे करने के बाद और सोल्यूशन यूज़ करने के बाद और उसके पहले, दोनों का इफेक्ट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस साइड को आप देख पाएंगे कि कैसे इस तरह का ये, मतलब इसका दिनलेस हो चुका है इसका। यहाँ पे उस साइड भी आप देखेंगे, इस साइड में ये पूरी तरह से ये जो आ चुका है ये पूरा निकला है, ये क्लीन हो चुका है। अब सिर्फ ये अभी यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया था, ये जो सीट कवर है, अब अगर क्लोजली आप देख पाएंगे तो ये सीट कवर के ऊपर ना जैसे गम जैसे चिपक जाता है, वैसे मिट्टी चिपक चुकी है इसको। तो ये जो इफेक्ट है जहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया था सोल्यूशन, जो डिग्रेसर जो है वो यूज़ नहीं किया था, ये यहाँ पे दिख रहा है कि उस वजह से यहाँ पे मिट्टी अभी भी चिपकी हुई है गाड़ी को। ये जो देख पाएंगे आप यहाँ पे, ये जो दिख रहा है जैसे कि ये वाइट मटेरियल है और इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये जो डस्ट है, ऑयल जो चिपका है, वो अभी भी हमें क्लियरली दिख पा रहा है। थोड़ा साउंड के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए, चलिए दोस्तों अभी इसको धो के लेंगे। ये देखिए प्लेजर को वगैरह सब लगाया था, ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है। कैसा क्लीन हो गया है, अच्छा तरह से। चलिए दोस्तों अभी इसको धो के लेंगे पूरा गाड़ी। ये देखिए दोस्तों, धो के रेडी हो गया है। ये देखिए अब थोड़ा आप क्लोज लीजिए ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो माइक्रो में जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जैसे कि ये डार्क दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जहाँ पे कि जहाँ पे हमने ये हमारा जो गंक डिग्रेसर जो है वो यूज़ नहीं किया, और इस साइड में हमने यूज़ किया था, इस साइड में, इस साइड में आपको जैसे देखेगा कि यहाँ पे कोई अभी डस्ट चिपकी नहीं है, तो ये डिग्रेसिंग हो चुका है अच्छी तरह से। जैसे देखिए कि बबल्स देखेंगे, ये मतलब ये यहाँ पे क्लीन आपको देखने को मिलेगा, ये जो मेटल का पार्ट्स वगैरह ना ये पूरा आपको क्लीन दिखेगा। अभी ये पानी जो है, तो पानी एक बार अगर हम पानी जो है एक कॉटन से एक बार क्लीन करेंगे तो ये जो पानी का वाटर का जो मार्क दिख रहा है वो निकल जाएगा। तो इसमें आप पूरी तरह से देख पाएंगे कि कैसे इफेक्ट आ रहा है। इस तरफ मारा था, क्लीन हो गया है, इधर डस्ट जरा दिख रहा है ज़रा। देखिए दोस्तों कैसा क्लीन हो गया है। देखिए इंजन का पार्ट, ये जो आप देख पाएंगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली हेयर रस्ट है, रस्ट जो रस्ट लग चुका है एल्यूमिनियम पार्ट को, मगर यहाँ पे जो मिट्टी थी या जो भी था वो निकल चुका है, वो खाली ये भी डस्ट रहा है।
सॉरी ये रस्ट रहा है, तो रस्ट के लिए रस्ट रिमूव करके एक हमारा एक लिक्विड आता है अलग से, और एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है वो स्पेशली रस्ट के लिए आता है। हाँ, वो उसके लिए यूज करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय पाठक है। हाँ, मैं टाइड वाटर ऑयल कंपनी से यहाँ पे गोवा में टेरिटरी सेल्स इंचार्ज करके यहाँ पे ये एरिया देखता हूँ। मोस्टली फोर व्हीलर रहेगी, टू व्हीलर से रहेगी, जो अच्छे अपने जो कस्टमर से जो अपनी गाड़ी की ज़्यादा केयर करते हैं, और जो भी कॉस्टली गाड़ी रहती है या सस्ती गाड़ी कोई भी गाड़ी हो, और जो अपनी गाड़ी का केयर करता है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो केमिकल फ्री है, एकदम फ्री इन्वायरमेंटली है, और इसमें ये देखेंगे तो इसका यूज़ भी अच्छी तरह से आप खुद आप घर पे यूज़ कर सकते हो। ये किधर किसी को चाहिए रहेगा तो प्रोडक्ट? ये चाहिएगा तो हमारे मेजर जो रिटेलर्स रहेंगे। हाँ, तो रिटेलर बंदो वो आके उनके पास अवेलेबल रहेगा। अच्छा, आपको ये मार्केट में कहीं भी मिलेगा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, इसको लगाया था, देखिए ब्लेजर को, ये देखिए एकदम डस्ट जा चुका है, ऑयली स्पॉट था सब, तो सब गया है। ये देखिए अभी इसके ऊपर और एक ये आएगा प्रोडक्ट जो आपने दिखाया था, वो दूसरा और प्रोडक्ट है। हाँ, वो एक्चुअली हम फाइबर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके वो मेटल पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो एक्चुअली डिपेंड है, मतलब कस्टमर को अगर यूज़ करने तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उनकी चॉइस है। अगर यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा और हम वो थोड़ा ड्राई होने के बाद हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे उसका भी। हाँ, तो भी हम स्प्रे ट्राई, ये प्रोटेक्टर शाइन है, हम रबर पार्ट, मेटल पार्ट और जो फाइबर पार्ट से, इन तीनों चीज़ों पर हम ये स्प्रे करके अभी इसका डेमो देखेंगे। अलग से इसको पॉलिश मारने का जरूरत नहीं बाद में? नहीं, अभी खाली हम एक कॉटन का एक कपड़ा जो है। हाँ, ये ड्राई कपड़ा है, इसे हम क्लीन करके लेंगे। हाँ, इसका एमआरपी क्या है प्रोडक्ट का? इसका एमआरपी है 700 रुपये। 700 रुपये, ये कितने बार यूज हो सकता है? ये डिपेंड है हम कितना स्प्रे कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड। हाँ, एक चार पांच गाड़ी को हो जाता है ज़्यादा। हाँ, पांच से छह गाड़ी को हो सकते हैं। हाँ, बाद में इसको कपड़ा मार के लेने का ऊपर से, अभी इसको कपड़ा मार। यस, ये विडल का ये ड्राई क्लॉथ है, ब्रशल क्लॉथ है। हाँ, ड्राई पूरा, तो इससे हम अभी गाड़ी का गाड़ी को हम क्लीन करेंगे। शाइन करके जो प्रोडक्ट है, ये हमने फाइबर, मेटल और जो भी ग्लास था उसको यूज़ किया है। अब देख पाएंगे यहाँ पर जो ड्रम्स है कि नए जैसे ड्रम्स जैसे शाइन दिखती है वैसे दिख रहा है अभी, जैसे कि केबल्स है, रबर के केबल्स होंगे या मेटल का पार्ट है या यहाँ पे ग्लास है। अब देख पाएंगे ये पूरा शाइन हो रहा है, क्योंकि अभी ये जैसे बोर्ड है फाइबर का मटेरियल है डैशबोर्ड का, ये भी पूरा शाइन कर रहा है पूरा टोटली। ये अगर देखेंगे इंजन का पार्ट, अब ये गियर बॉक्स का वगैरह, ये भी पूरा अभी शाइन कर रहा है पूरा, ये अभी नए जैसा फील आ रहा है इसका पूरा। अब देख पाएंगे आप उस साइड से भी आएंगे तो आपको और अच्छा देखने को मिल पाएगा। ये साइलेंसर की तरफ आप देखेंगे तो एकदम गाड़ी नई जैसे गाड़ी का फील आ रहा है, नया जैसा दिख रहा है। अभी इस पर इसके ऊपर आप देखेंगे ना कि हमने यूज़ किया है, इसके ऊपर अभी डस्ट ज़्यादा चिपकेगा नहीं, तो इसके ऊपर क्या करेगा जो आपने हमने क्लीन किया था, तो जो डस्ट बैठेगा कि तो बैठेगा ही नहीं, और बैठेगा भी तो उसके बीच में ये लेयर का काम करेगा, मतलब हम नेक्स्ट टाइम जब वॉश करेंगे ना तो जो भी डस्ट या जो भी मिट्टी चिपकी है ना वो इमिडिएट निकल जाएगी इसके ऊपर से। तो ये परमानेंट अभी इसके ऊपर एक नॉर्मल एक लेयर जैसा काम करेगा। जब हम डीग्रीसिंग करेंगे पूरा, तो पहला हमने जो लगा दिया अभी जो शैन का, उसका लेयर पूरा निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, रेडी हो गया है ब्लेजर BS6। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दयानंद ऑटोमोबाइल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।